Questions on Allah with created world. Using passages you have studied, write about God's relationship with this created world. दो keywords हैं. एक है passages you have studied, मतलब आप 15 passages use कर सकते हो. God's relationship with this created world, मतलब आप 6 से लेके 10 तक paragraph इस्तेमाल कर सकते हो. अच्छा देखें, Allah with जब आप वो कर रहे थे ना, Allah in himself वाला दसवां, तो आपने उसके अंदर क्या करे, line से passages, आयतुल कुर्सी, फिर सूरह नाम, फिर सूरह शूरा, सूरह फसिलत, फिर सूरह शूरा, और फिर वो आपके पास लास्ट में सूरह इखलास. इसके अंदर आपने तरीका जो मैं आपको सिखाऊंगा, आपने वही पैटर्न फॉलो करना है. मतलब उसके अंदर तो आपकी मर्जी है, आप आगे पीछे भी कर सकते हो कि मतलब एक पैसेज आगे कर दिया, एक पैसेज पीछे कर दिया. इसके अंदर आप पैसेजेस आगे पीछे नहीं करना, सही है? तो सबसे पहले आपके पास है इंट्रोडक्शन, कि 5 पैसेजेस जो 6 से लेके 10 है वो हम वर्ड यूज नहीं करेंगे 6 से 10, लेकिन हम ये लिखेंगे कि भाई आपके पास देयर आर 5 पैसेजेस इन आवर कोर्स व्हिच डिस्क्राइब्स अल्लाहस रिलेशनशिप विद हिज क्रिएटेड वर्ल्ड इन अ वेरी डिस्टिंक्टिव वे. And it explains how God gave sustenance to this created world and how humans should thank Allah in return. तो ये आपने क्या कर दिया, एक introduction paragraph छोटा सा बता दिया. अब आपने सबसे पहले सूरह अलक बताई. सूरह अलक में आपने क्यों करा, क्योंकि सूरह अलक के अंदर आपने क्या पढ़ा था, 5 verses आपको याद होंगी. Read in the name of thy Lord who created man out of clod of congealed blood. Your Lord is most bountiful. He who taught us the use of pen and taught man what he did not. ये 5 verses थी. अब सूरह अलग के अंदर देखें, सबसे पहली बात आपको ये पता चल जाती है, रीड इन द नेम ऑफ थाई लॉर्ड हु क्रिएटेड. मतलब ये पहली बात ये पता चल रही है कि फर्स्टली अल्लाह इज आर क्रिएटर. ह्यूमन बींग जो है वो क्रिएशन है, बट इट इज द बेस्ट ऑफ द क्रिएशन. क्यों? क्योंकि वी कैन रीड. दूसरी बात हमें क्या पता चल रही है कि हमारे पास वी आर द बेस्ट ऑफ द क्रिएशन. तो ये पहली बात आपने बता दी. आप इसके अंदर लिख सकते हैं रीड इन द नेम ऑफ थाई लॉर्ड हु क्रिएटेड, सो इट इज रिटन दैट humans can read, so we are, that's why we are the best of the creations, because हम reading and learning की हमारे पास ability है. पहली बात हुई. दूसरी बात क्या है, secondly अल्लाह ताला ने हमें blood से बनाया. किससे बनाया? blood से. कैसे? खुद इसके अंदर लिखा हुआ है created man from a clot of congealed blood. बच्चों का सवाल आएगा, सर एक biological process होता है, then एक baby produce होता है, लेकिन आपके पास हजरत आदम कैसे प्रोड्यूस हुए थे, हजरत आदम कैसे पैदा हुए थे, विदाउट एनी मदर, विदाउट एनी फादर, क्रिएटेड अ क्लॉट फ्रॉम कंजीवेशन. और उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल अभी भी अगर कोई बच्चे का ये जैसे एक आता है कि सर बायोलॉजिकल प्रोसेस है, लेकिन आपके पास आपने ये सोचना है कि उसमें क्या अंदर क्या टेक्नोलॉजी चल रही है, वो सारी चीजें क्या है, वो अल्लाह ताला को पता है. तो क्रिएटेड अ मैन फ्रॉम अ क्लॉट ऑफ कंजीवेशन, सही है, ये बात हो गई. तो इससे हमें ये पता चलता है कि अल्लाह ताला एक मिरेकल कर रहे हैं. अल्लाह ताला के पास इतनी पावर है कि अल्लाह ताला एक खून के कतरे से एक पूरी इंसान की बॉडी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं. हम किससे बने? मिट्टी से बने. कभी आपने ये सोचा कि हम खुद कैसे बड़े हो रहे हैं? मिट्टी कभी एक जगह पे आप मिट्टी का एक बकेट रख दो, वो कैसे बड़ा हो सकता है? फिर आपने कभी ये सोचा, जो बायो का स्टूडेंट होगा उसको ये पता होगा कि हमारी बॉडी के अंदर कितनी डिफरेंट चीजें होती हैं. अब जब वो डिफरेंट चीजें आपने कभी सोचा, कितनी वेन्स हैं, किस तरीके से चल रही हैं, किस डिजाइन में बनी हुई हैं, तो कितना मतलब कैसे बन गए, तो ये अल्लाह ताला की पावर है कि अल्लाह ताला ने अल्लाह क्रिएटेड अ मैन फ्रॉम अ क्लॉट ऑफ कंजीव्ड ब्लड और पूरा एक इंसान का शेप दिया. तीसरी बात आप क्या बताएंगे कि अल्लाह ताला ने हमें प्रोवाइड करी नॉलेज. कैसे? ही हु टॉट मैन द यूज ऑफ पेन एंड टॉट मैन व्हाट ही डिड नॉट नो. तो इससे हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला ने हमें नॉलेज प्रोवाइड करी, अल्लाह ताला ने ह्यूमंस को एनेबल करा कि वो पढ़ सके, वो लिख सके. तो हमें इस पे क्या है कि हम तीन बातें याद रखेंगे. पहली बात क्या है, अल्लाह हमारे क्रिएटर है. क्यों? रीड इन द नेम ऑफ थाई लॉर्ड हु क्रिएटेड और हम बेस्ट ऑफ द क्रिएशन. दूसरी बात क्या है कि हमारे पास अल्लाह ताला ने मिरेकल हमें बनाया फ्रॉम अ क्लॉट ऑफ कंजीव्ड ब्लड. ये हमारा बिलीफ होना चाहिए कि ब्लड से कतरे से पूरी एक बॉडी, ह्यूमन बॉडी अल्लाह ताला बना सकते हैं. कैसे? लिखा हुआ है क्रिएटेड मैन फ्रॉम अ क्लॉट ऑफ कंजीव्ड ब्लड. तीसरा क्या है, अल्लाह ताला ने नॉलेज प्रोवाइड करी. कैसे? खुद कुरान के अंदर लिखा हुआ है यू टॉट मैन द यूज ऑफ पेन एंड टॉट मैन व्हाट ही डिड नॉट नो. तो इससे हमें पता चलता है कि अल्लाह एनेबल्ड अस टू रीड एंड राइट. तो ये आपके पास पहला पैराग्राफ हो गया कि हमारा रिलेशन अल्लाह से ये है कि अल्लाह हमारे क्रिएटर है. दूसरा हमारे पास रिलेशनशिप ये है कि अल्लाह ताला ने हमें जो है वो एक उससे बनाया, क्लॉट से बनाया. तीसरा हमें ये चीज पता चलती है कि अल्लाह ताला ही हमें नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो हमारे नॉलेज प्रोवाइड करने वाले हो. तो ये हमें तीन चीजें. फिर हमारे पास है सूरह फातिहा.
सूरह फातिहा के अंदर हमें सबसे पहले ये पता चलता है कि हमारे अल्लाह ताला लॉर्ड, क्यों? प्रेज बी टू बी अल्लाह द लॉर्ड ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स। लॉर्ड ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स अगर हम कह रहे हैं तो इसका मतलब अल्लाह ताला हमारे क्या है, लॉर्ड। सेकेंडली हमें ये पता चलता है कि हमें अल्लाह ताला को ही वॉर्शिप करना है और अल्लाह ताला से ही मदद मांगनी है, क्योंकि हम सूरह फातिहा के अंदर दुआ करते हैं, यू अलोन वी वॉर्शिप एंड योर एड बीजी, हम आपको ही वॉर्शिप करते हैं और हम आपसे ही मदद मांगते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अल्लाह ताला से ही मदद मांगनी है और हेल्प भी अल्लाह ताला से ही मांगनी है। तीसरी बात हमें क्या पता चलती है कि इट गाइड्स ह्यूमंस बाय दुआ, क्योंकि आपको याद होगा सूरह फातिहा के अंदर हम दुआ कर रहे होते हैं, क्या दुआ कर रहे होते हैं, शो अस द वे ऑफ दोज हुम यू हैव ब्लेस्ड, उनका रास्ता नहीं देगा जिससे आप नाराज से या फिर जो गलत राह पर निकल रहे। तो थर्डली गाइड्स ह्यूमंस बाय दुआ फॉर गाइडेंस फ्रॉम अल्लाह, स्ट्रेट वे हमें शो करें, वे ऑफ पायस पीपल, शो अस द वे ऑफ दोज हुम यू हैव ब्लेस्ड। तो तीन बातें क्या हो गई, पहली बात ये हो गई कि अल्लाह ताला हमारे लॉर्ड, दूसरी बात ये हो गई कि हमें अल्लाह ताला से वॉर्शिप और मदद मांगनी चाहिए, तीसरी चीज हमें पता चल गई कि अल्लाह ताला से हम दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह हमें सीधी राह दिखा। तो तीन चीजें हो गई। फिर आपके पास है सूरह बकरा, सूरह बकरा के अंदर आपके पास ये वो वाली सूरह बकरा है जिसमें आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि प्रोवाइडेड सस्टेनेंस, फूड प्रोवाइड करा, रेन्स दी ताकि आपको पानी वैसा कुछ। तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है कि अल्लाह ताला एक क्रिएटर है, सूरह बकरा के अंदर ये बात पता चलती है, अल्लाह ताला हमारे क्रिएटर है, अल्लाह ताला ने हमारी सस्टेनेंस के लिए फूड खाना और रहने के लिए जगह दी, कैसे, एंड सेंड डाउन रेन फ्रॉम हेवंस एंड ब्रॉट फ्रूट फॉर योर सस्टेनेंस। इसके अंदर आप अर्थ योर कैनोपी वाली वर्ड्स भी डाल सकते हो अगर आप डालना चाहो तो। आपके पास क्या है कि अल्लाह ताला ने आपको, पहली बात किया अल्लाह ताला ने आपको फूड प्रोवाइड करा, अल्लाह ताला ने आपको रहने की जगह दी, दूसरी बात किया है कि अल्लाह ताला ने आपको वॉर्शिप करने की उस पर क्या दी कि गाइडेंस दी, कि सिर्फ किसको वॉर्शिप करो, अल्लाह ताला को, तो हम सीधी राह पर रहेंगे, क्योंकि कुरान फरमाता है डू नॉट सेट अप राइवल्स विद अल्लाह, अल्लाह के साथ दुश्मन नहीं वो लाओ, कि मतलब अल्लाह ताला के सामने किसी को आइडल को नहीं लाओ, अल्लाह ताला के सामने किसी और को वॉर्शिप नहीं करो, डू नॉट सेट अप राइवल्स विद अल्लाह। तीसरी बात क्या है कि वी शुड बी थैंकफुल टू अल्लाह फॉर ऑल हिज ब्लेसिंग्स, क्योंकि हर चीज का सस्टेनर चैरिशर कौन है, अल्लाह ताला। तो ये तीन बात है, पहली बात की अल्लाह ताला ने हमें फूड दिया, अल्लाह ताला ने हमें अर्थ दिया, हमें हेवंस दिया जो कि हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंड सेंड डाउन ये आपने वर्ड से लिखी, दूसरी आपने लिखी कि अल्लाह ताला को हमें वॉर्शिप करना चाहिए ताकि हम सीधी राह पे, तीसरा क्या, वी शुड बी थैंकफुल टू अल्लाह फॉर ऑल हिज ब्लेसिंग्स। फिर आपके पास है सूरह नास, सूरह नास में आपको क्या बात पता चलती है कि अल्लाह ताला हमारे प्रोटेक्टर है, एक रिलेशन पता चल रहा है ना कि अल्लाह ताला हमारे क्या है, प्रोटेक्टर, क्योंकि सूरह नास जब रिवील हुई थी, जब प्रॉफिट के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ था, तो फर्स्ट अल्लाह ताला हमारे प्रोटेक्टर है, एवल फोर्सेस से हमें अल्लाह ताला ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ब्लैक मैजिक, जैसे कि शैतान, और हमें ये सिर्फ वो ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं, से आई सीक रेफ्यूज विद द लॉर्ड ऑफ मैनकाइंड, तो सूरह नास से याद पता चलती है। सूरह जिलजाल कौन सी है, कयामत वाली, तो आप इससे क्या बात पता चलती है कि अल्लाह विल बी द जज ऑन द लास्ट डे, मास्टर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट। दूसरी बात क्या पता चलती है, ह्यूमंस विल बी अकाउंटेबल फॉर देयर डीड्स, एनीवन हु हैज डन एन एटम्स मेड ऑफ गुड और इविल शैल सी इट, तो अगर हम गुड ज्यादा करेंगे तो हेवंस में जाएंगे, बुरा ज्यादा करेंगे तो हेल में जाएंगे। तो ये आपके पास सारी बातें डिस्कस करके आपने क्या कर लिया कि आपने अपना ये पूरा 10 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर अटैम्प्ट कर लिया। सबसे पहले सूरह अलग में क्या तीन बातें, अल्लाह ताला आपके क्रिएटर है और आप बेस्ट ऑफ द क्रिएशन। दूसरी बात हमें सूरह अलग के अंदर क्या पता चलती है कि अल्लाह ताला ने हमें नॉलेज क्या करी है, प्रोवाइड करी है, और उसके बल्कि फ्रॉम अ क्लॉट ऑफ कंजील्ड ब्रेड अल्लाह ताला ने हमें बुलाया है, तो वो अल्लाह ताला का मिरेकल और अल्लाह ताला हमारे क्रिएटर है। तीसरी बात हमें ये पता चलती है कि अल्लाह ताला ने ही हमें नॉलेज प्रोवाइड करी है और वो हमें नॉलेज प्रोवाइड करते रहेंगे, कैसे, ही हु टॉट अस द यूज ऑफ पेन एंड टॉट पेन व्हाट ही डिड नॉट। फिर आपने पढ़ी सूरह फातिहा, सूरह फातिहा के अंदर आपने पहली बात क्या पढ़ी कि अल्लाह ताला क्या है, लॉर्ड है पूरी दुनिया के, दूसरी बात आपने पढ़ी कि भाई अल्लाह ताला क्या है, आप वॉर्शिप उन्हीं को करो, हेल्प भी उन्हीं से ही मांगो, तीसरी आप क्या है कि अल्लाह ताला से आप दुआ मांगो कि अल्लाह आप हमें क्या रखें, सीधी रास्ता दिखाएं, उल्टा रास्ता नहीं। तो ये आपके पास हो गए। देन आपके पास है सूरह बकरा, सूरह बकरा के अंदर आपने क्या पढ़ा, सस्टेनेंस वाला, कि अल्लाह ही हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, फूड, अल्लाह ताला ही हमें अर्थ में दिया है रहने के लिए। उसके बाद आपने दूसरी बात क्या बताई कि अल्लाह ताला ने हमें क्या करा है कि यहाँ पर रहने के लिए, हम उसको ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हमें अगर रहने और के लिए जगह दी है तो हमें उनके साथ वो नहीं करने चाहिए, राइवल्स और सेट नहीं करने चाहिए, अल्लाह ताला ने हमें सस्टेनेंस के लिए दी, तो ये बात आपने डिस्कस करी। देन आपने सूरह जिलजाल, सूरह नास के अंदर क्या डिस्कस करी कि पहली एक ही बात है कि अल्लाह इज आर प्रोटेक्टर, अल्लाह का हमारा रिलेशन ये है कि अल्लाह हमारे प्रोटेक्टर है, वो हमें इवेंट से, गलत चीजों से, हर चीज से क्या करेंगे, बचाएंगे, क्योंकि सूरह नास ब्लैक मैजिक और के लिए होती है, वो आपको बचाएंगे, अजर अल्लाह ताला बचाएंगे। देन आपके पास लास्ट कौन सी है सूरह जिलजाल, तो उसमें भी तीन बातें क्या पता चली, मास्टर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट, वी विल बी अकाउंटेबल फॉर आवर डीड्स, अच्छा करेंगे तो जन्नत में जाएंगे, बुरा करेंगे तो दोजख में जाएंगे। तो ये आपके पास सवाल था। अब सर इसका आंसर क्या होगा, कैसे होगा,
तो बेटा आंसर तो मैं आपको हर चीज का दे रहा हूँ, आपको टेंशन नहीं लेनी। तो टेंशन इसकी हम नहीं लेते और सबसे पहले हम इसका आंसर देख लेते। यूजिंग पैसेजेस फ्रॉम द सिलेबस राइट अबाउट द ड्यूटीज ऑफ ह्यूमन काइंड टूवर्ड्स गॉड एंड द क्रिएटेड वर्ल्ड। तो ये हमारे पास क्या, ये ड्यूटीज वाला सवाल है। तो रिलेशनशिप विद क्रिएटेड वर्ल्ड, दीज पैसेजेस आर अबाउट गॉड्स रिलेशनशिप विद क्रिएशन बट ईच टॉक अबाउट दैट रिलेशनशिप इन अ डिस्टिंक्टिव वे। दे ऑल अलाउ ह्यूमन काइंड टू सी द लिंक बिटवीन देम एंड गॉड। इट इज नॉट जस्ट अबाउट गॉड गिविंग ह्यूमन बींग्स थिंग्स फॉर देयर सस्टेनेंस बट ह्यूमंस नीड टू गिव थैंक्स इन रिटर्न एंड लिव योर लाइफ रिमेम्बरिंग हिम व्हिच कैन बी डन इन डिफरेंट वेज। ये पहला इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। दूसरा आपने पूरा अलग से शुरू करा, ह्यूमन बीइंग्स आर अल्लाहस बेस्ट क्रिएशन बिकॉज़ वी हैव बीन गिवन द एबिलिटी टू थिंक एंड फॉलो द राइट पाथ इन लाइफ। अल्लाह क्रिएटेड एडम नॉट ओनली एज द फर्स्ट प्रॉफिट बट आल्सो द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग एंड द फर्स्ट रिलेशनशिप अल्लाह हैज विद अस इज दैट वी आर हिज क्रिएशन एंड ही इज आवर क्रिएटर। सूरह अलक, अल्लाह रिवील्स ही क्रिएटेड अस फ्रॉम अ क्लॉट ऑफ कंजीनियल and perfected us in the shape of a complete human. In addition to this, he enabled us to read and write with the help of pen by saying, he who taught men the use of pen taught men what he knew not. Surah Alaq also highlights the importance of learning and education through which human beings progress and plan to his blessing. ये आपने पहला पहला। दूसरा in Surah Fatiha. In Surah Fatiha, Allah says, praise be to Allah, Lord of all the worlds. Not only is Allah our creator, but he is also our sustainer. He provides us all comforts of life by his numerous blessings. It also highlights the two basic features of Tawheed. Firstly, the focus of all forms of worship that shall only be for Allah only. Secondly, that we are in need of help, we should ask only Allah for help. It says, you alone we worship and your aid we seek, your help we seek. This surah further guides us by dua for guidance for Allah from a straight path which for of the straight path which is the path of all prophets and pious people, so that we are rewarded by him for our deeds by saying the way of those whom you have blessed. So aapne ye bata diya. फिर आपके पास है सूरह बकरा। द वर्स ऑफ सूरह बकरा फोकसेस ऑन द फैक्ट दैट अल्लाह इज द क्रिएटर ऑफ ऑल द पीपल पास्ट एंड प्रेजेंट। इट इज नॉट ओनली स्ट्रेसेस ऑन अल्लाह द सोल क्रिएटर बट आल्सो एज प्रोवाइडर ऑफ सस्टेनेंस एंड लाइफ ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स। इट इज ही हु हैज प्रोवाइडेड फॉर ह्यूमंस एवरीथिंग फ्रॉम द अर्थ एंड बिलो द स्काई। ऑल फूड एंड फ्रूट्स आर हिज ब्लेसिंग्स एंड वी मस्ट रिकॉग्नाइज हिज पावर्स एंड सेंड डाउन फ्रॉम रेन फ्रॉम द हेवंस एंड बाय इट ब्रॉट फूड्स फॉर योर सस्टेनेंस। फर्दर मोर इट आल्सो टीचेस अस राइटियसनेस कैन ओनली बी अचीव बाय worshipping him alone and not set up partners with him. Do not set up rivals with Allah when you pray. It is important for us to accept and thank Allah for all his favors and in believing him to be our creator and provider of numerous blessings. Then a Surah Fatiha. In Surah Fatiha, Allah has described himself as most gracious, most merciful. Not only has taught man the ability to think and slay on the right path, but he also has taught to stay away from evil doings of people who do not fear him. The verses of Surah An-Nas are protection against such evil forces. These verses are recited by Holy Prophet Vaziwan under spell of black magic. Allah is the one who can protect us from all attacks only if we maintain a strong relationship with him in worshipping him. Surah An-Nas says, say, I seek refuge with the Lord of mankind. तो ये एक बात है। अब बच्चों का सवाल आता है, सर आपने सूरह फातिहा जब ऊपर एक्सप्लेन कर दी तो यहाँ पर क्यों है? तो बेटा यहाँ पर थोड़ी सी बात है, वो अगर आपने लिखनी है तो लिखे, नहीं लिखनी तो नहीं। फिर आपके पास लास्ट बात है मास्टर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट, ये सूरह ज़लज़ाल की बात है। बाय डिस्क्राइबिंग हिमसेल्फ एज मास्टर ऑफ जजमेंट अल्लाह पुट्स अप इन टेस्ट। ही हैज गिवन अस फ्री टू आइदर विद अ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट इज आवर लास्ट रिलेशनशिप विद अल्लाह। ही सेज ही क्रिएटेड डेथ एंड लाइफ टू टेस्ट यू एज टू व्हिच ऑफ यू इज बेस्ट इन डीड। ऑन द डे ऑफ जजमेंट अल्लाह विल बी आवर जज एंड वी विल बी अकाउंटेबल फॉर आवर डीड्स। देयर विल बी नो बार्गेन और रिक्वेस्ट मेड दैट डे, नॉट द स्मॉलेस्ट गुड और बैड डीड shall go unnoticed by him. Surah Zilzal says, then anyone who has done an atom's weight of evil shall see it. The doers of good shall be blessed with heaven and the evil doers will be thrown into hell. This enables Muslims to do good in this life and to remember the day when all will come to an end, that there will be no going back. So, yeah, aapke paas pura sawal tha Allah with created world ka. Aap sir, ye kaise repeat hua, kis tarike se repeat hua? To beta, ye sawal aap log dekh lein kis tarike se repeat hua. Sawal aaya, using three passages you have studied from the syllabus, राइट अबाउट गॉड्स रिलेशनशिप विद क्रिएटेड वर्ल्ड। बेटा ये सवाल जब आया तो आपने समझते हैं जून 2020 का था और इसमें पेपर नहीं हुए थे। जब पेपर नहीं हुए थे तो उन्होंने जानबूझ के गलत पेपर ऐसे ही क्या कर दिए थे, रिलीज कर दिए थे। अब थ्री पैसेजेस आता नहीं है, लेकिन अगर पेपर में तीन पैसेजेस भी आ जाए तो आप पूरे पांच पैसेजेस ही इस्तेमाल करेंगे ताकि आप इनफ नॉलेज लेकर आ जाए। सही है? तो सेम एज क्वेश्चन गॉड्स रिलेशनशिप विद क्रिएटेड वर्ल्ड। फिर सवाल आया, द कुरान टीचेस मुस्लिम्स अबाउट दियर रिलेशनशिप विद गॉड, राइट अबाउट द रिलेशनशिप using the passages we have studied, same as question number 1. फिर सवाल क्या आया,
Using Quranic passages from the syllabus, describe what Quran teaches about God's responsibility to his creatures and their duties towards him. तो सेम एज क्वेश्चन वन, रिलेशनशिप विद क्रिएटर. फिर आपके पास सवाल है, फ्रॉम पैसेजेस यू हैव स्टडीड फ्रॉम द कुरान राइट अबाउट गॉड्स रिलेशनशिप विद ह्यूमन काइंड. जहां पे गॉड्स रिलेशनशिप विद ह्यूमन काइंड विद क्रिएटेड वर्ल्ड कुछ भी आ जाए, तो आपने यही आंसर लिखना.